अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर लेक्चर फूड में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी दुआ सलाम तुलाम सब बड़े बढ़िया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी मजेदार सी रेसिपी, जिसे हम कहते हैं चना मसाला। हम उसमें बटाटे भी डालने वाले हैं, तो वो बन जाएगा चना बटाटा मसाला। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चना मसाले बनाना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चना मसाला बनाना। सबसे पहले हमें लेना है चने, जो हमने रात से भिगो के रख दिए थे, फिर सुबह उठ के हमने इसको उबाल लिया है। सिर्फ नमक डाल के इसे आपको बॉईल कर लेना है। ये हमने लिया है 3 बड़े आलू, इसको हमने बारीक कट करके ले लेना है बॉईल करके। और ये हमने लिए है इमली, इमली को हमें पानी में भिगा के कम से कम आधा घंटा रख देना है। ये हमने लिया है जीरा, जो सेक के फिर हमने उसे ग्राइंडर कर लिया है। ये चिली फ्लेक्स है। ये हमने लिया है कांदा, इस तरीके से लंबा काट के ले लीजिए। ये हमने चने का आटा लिया है, इस चम्मच के हिसाब से हमने 2 चम्मच आटा लिया है। ये हमने लिए है हरी मिर्ची कुछ, अखा जीरा, कड़ी पत्ता बघार के लिए। ये हमने लिया है चाट मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। नमक अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी, क्योंकि मैंने नमक चना बॉईल करने में भी डाली हूँ और चाट मसाले में भी नमक रहता है, तो इसके लिए नमक हमें टेस्ट करके यूज करना है। ये हमने पैन गर्म होने रख दिया, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। हमने 1 कप जितना तेल डाला है, तेल गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ये सब कड़ी पत्ता, जीरा और हरी मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए, फिर अब इसमें हम जो प्याज लिए थे, ये प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें कम से कम इसे हमें 5 मिनट तक कुक करना है, जब तक ये प्याज नरम नहीं हो जाती है। ज्यादा आप इसे लाल एकदम ना करें, सिर्फ जरा सा हल्का कलर चेंज होने देवे। ये देखिए, हमें इस स्टेज तक प्याज को इस तरीके से सॉफ्ट करके ले लेना है। उसके बाद जो हमने बॉईल चने किए थे, अब इसमें हम ये डाल देंगे पूरे, और इसे इसमें तेल में और प्याज में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए, अब ये हमारी प्याज और चना तेल में जाके फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने जो मसाले लिए थे, सारे मसाले डाल देंगे। चना जितना मसालेदार और चटपटा बने, उतना खाने में बहुत मजा आता है। अब ये चिली फ्लेक्स और जो जीरा भुनेला लिए थे, वो भी डाल देंगे हम इसमें। इस सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाले हैं, क्योंकि चने और चाट मसाले में नमक है, तो हम जरा टेस्ट करेंगे फिर नमक का यूज करेंगे, वरना नमक ज्यादा हो जाएगा। और अफकोर्स चना तो सबका फेवरेट होता है, जो चाट आइटम तो सबको बहुत पसंद आती है। चना घोड़ों का भी फेवरेट है। और किसका होता है? सबका ही चना फेवरेट, जैसे घोड़ों का नहीं होता है, चना सबको पसंद रहता है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को चना मसाला अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और आपके पास घोड़ा है तो उसको भी खिला सकते हैं, उसका भी। घोड़ा ये चना नहीं खाएगा। घोड़े ये चना नहीं खाते मसाले वाले, ये हम खाएंगे इंसान। उनको भी टेस्ट चेंज करवाओ थोड़ा। हाँ, ये कुछ भी बोलेंगे आप लोग सुनिएगा नहीं। अब ये जो मसाला हमने डाला है ना, इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मसाला डाले है ना वो कुक हो जावे, क्योंकि अभी हम इसमें ना चने का आटा डालना है। क्योंकि अभी देखिए, सारे मसाले आपको अलग दिखेंगे, ये ऐसा दिखेगा। फिर इसके बाद जब हम इसमें चने का आटा जो है वो डाल देंगे ना, तो ये सब मसाले बड़े ही मजे से चने के ऊपर लग जाएंगे, तो उससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालिएगा, नहीं तो इसमें आटा एकदम हो जाएगा। और आटा कुक होने देना, वरना आटे की कच्ची स्मेल आएंगी। इसे अच्छे से कुक होने देते, मिक्स कर ले। देखिए अभी आप ये सारा मसाला आटे के जरिए चने पे लग गया, एकदम सूखा हो गया, एकदम ड्राई हो गया। अब इसे हमें पकाना है, फिर हम इसमें 2 से 3 मिनट इसको पकाते हैं। फिर इसमें हमें ना इमली का जो रस रखे है निकाल के पल्प इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, जो हमने इसमें पानी डाला था वो अभी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम वापस पानी डालेंगे, बट नॉर्मल पानी नहीं, इमली का पानी। तब इसमें हमें ये पूरा इमली का पल्प डाल देना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आप देखिए, अभी इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें अभी रस जैसा हो गया है,
ये ग्रेवी जैसा, बट ये ग्रेवी जैसा नहीं रहेगा, ये भी ड्राई हो जाएगा। हम इसको अभी इमली के पल्प में पकाएंगे तो जो चने हैं वो एकदम खट्टे खट्टे हो जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा, तीखा खट्टा फ्लेवर भी इसमें आएगा। इसे मिक्स कर लेंगे, अभी इसको और 5 मिनट हम कुक होने देंगे। ये देखिए आप, ये बन गया है। अभी इसका लास्ट स्टेज ये है कि अभी इसमें हम जो हमने बटाटे बॉईल करके रखे थे, अब इसमें हम ये सारे बटाटे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटाटा ऐड करने से पहले आप एक बार नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप उसी टाइम पे नमक डाल के मिक्स करके फिर बटाटे ऐड करिएगा, नहीं तो बटाटे, क्योंकि हमारे जो बॉइल्ड पोटेटोज है वो टूट जाएंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स करिएगा कि बटाटे वो ऐसे अखे ही रहे, टूटे ना। ये देखिए मेरे बटाटे बिल्कुल नहीं टूट रहे, ऐसे के ऐसे ही, तो ये खाने का मजा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस, ये अभी हमारे चने बटाटे बन के रेडी हो गए हैं। जिनसे हमें 1 मिनट तक सिर्फ कुक करेंगे कि जो बटाटे हैं उसमें भी ये चने का सारा मसाला अच्छे से लग जावे। तो चलिए ये चने बटाटे को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और इसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके दिखाऊंगी कि इसको आप कैसे सर्व करें। तो ये हमने बाउल में ये चने बटाटे निकाल लिए है, अब इसको कुछ हुनेरा स्टाइल में सर्व करेंगे। इसके ऊपर मैंने कुछ बटाटों के, एक बटाटा बड़ा साइज का मैंने बॉईल करके रख ली थी अलग से, और उसके से गो राउंड राउंड व्हील बना दी थी। इसे मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से सजा दूंगी, इसमें इससे बहुत अच्छा ही लुक भी आएगा आपके चने बटाटे में, और ऊपर से जो बॉईल बटाटे का टेस्ट रहेगा वो भी बहुत मजेदार लगेगा। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ऐसी मजेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े कोथमीर की लीव्स और पुदीने की लीव्स, और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे इसका लिए मजेदार सा नींबू का रस, और इसके ऊपर से जिसको तीखा खाना है तो वो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इस पे डाल देवे, इससे बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। तो ये चने बटाटे मेरे बन के रेडी हो गए हैं, तो आप इसको सर्व कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।